सोनिया गांधी के यात्रा में शामिल होते ही भाजपा में मची खलबली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी ने राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर की पदयात्रा में नई ऊर्जा भर दी। मंडिया जिले में सोनिया गांधी के पदयात्रा में शामिल होने के दौरान उमड़े लोगों के हुजूम ने तमिलनाडु और केरल के मुकाबले कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा की सियासी हलचलें कई ज्यादा बढ़ा दी हैं। दिलचस्प यह भी रहा कि कई वर्षों बाद जनता से जुड़े किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शरीक हुई सोनिया गांधी इस दौरान एक भी शब्द नहीं बोली, मगर यात्रा में उनकी सांकेतिक भागीदारी ने ही सियासी गहमा गहमी इतनी बढ़ा दी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाजपा नेता बसवराज बोम्मई भी यह टिप्पणी करने को बाध्य हुए कि यात्रा का सूबे की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दशहरा के दो दिनों के विराम के बाद शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के 27वें दिन पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जयकारे के बीच सोनिया गांधी कुछ किलोमीटर पदयात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उमड़ी भीड़ के हुजूम के बीच सुरक्षा कर्मियों के अलावा खुद राहुल गांधी कई बार अपनी मां को संभालते बचाते नजर आए। इस क्रम में मां बेटे के निश्चल प्रेम अनुराग की कई झलके भी नजर आई और इससे जुड़ी तस्वीरें भी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, जिन्होंने बहुत हलचल मचाई। इस क्रम में माँ बेटे के निश्चल प्रेम अनुराग की कई झलके भी नजर आई और इससे जुड़ी तस्वीरों और वीडियो ने इंटरनेट मीडिया पर भी हलचल मचाई। पैदल चल रही सोनिया गांधी के जूते की खुली लेस नीचे बैठकर बांधते राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यात्रा में शामिल नेताओं की भावनाएं भी और जोश के रूप में तब्दील हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर से लेकर पार्टी के तमाम नेता इस तस्वीर के भावों को लेकर अपनी अभिव्यक्ति नहीं रोक पाए। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।